प्रचंड मौन है। अरे बाहु चक्का नारायण मुझसे बड़ा दोस्तों, आज भाई आजाद खा बल्कि आजाद खा नहीं डाकू आजाद खा जिन दरिंदों ने हमें इस मंजिल तक पहुंचाया है, आज उन हराम जादों से गिन गिन के बदले लूंगा। लेकिन जब तक हमारे सभी साथी नहीं आते तब तक इंतजार करूंगा। रे पहाड़िया, अरे दुनिया खाए नमक रोटी हमसे कोई मतलब नहीं, अरे दुनिया खाए नमक रोटी हमसे कोई मतलब नहीं, और हम खाएंगे वो रोटी रोक ले बाकी। बोले सरदार जी तो ये सुनो हमारी बात, और लाया हो ये कितना जी खबर है सुनिए का सर। लाया हो ये कितना जी खबर है और सुनिए का सरदार, और तब से सुना और वो बने अकल मेरी है। अरे बोलो बोलो क्या खबर लाए हो सरदार जी, आपको मालूम चाहिए सरदार जी, हमने ताजी खबर आपसे बता चुके हैं, लेकिन सामने से ये कोई मुसीबत का हमारे सरदार जी है। नौजवान बारिश पिया बान जंगल के अंदर किस लिए आना हुआ, जरूर बताऊंगा सरदार जी। और तुम्हारे शरण में भैया तुम्हारे शरण में भैया भिखारी बन के आया, तुम्हारे शरण में भैया भिखारी नौजवान। मुझे लगता है तू तो बहुत मुसीबत कमा रहा है, और पता और ठिकाना कहाँ है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो और क्या तुम्हारा नाम है? सरदार जी मैं चमनपुर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम विजय, मुझे जीने पर मजबूर कर दिया मंत्री शंभुनाथ और दिलावर भैया। सरदार जी अगर आपका सहारा मिल गया तो उन हराम जादू से गिन गिन के बदले ले सकूंगा। मेरे दोस्त उसी गांव का मैं भी रहने वाला हूं जिन दरिंदों ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद किया है, आज उन्हीं इंसानों ने हमें इस मंजिल तक पहुंचाया है। लेकिन हमारे कबीले का वसूल है, पहले इस मां भवानी की कसम खाओ कि किसी साथी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें पूरा साथ दूंगा। ये लो मां भवानी।
आज जिस माँ भवानी को हाथ पे लेके कसम खाकर कहता हूँ, नहीं तो साकेत के साथ कभी गद्दारी करूंगा और उन हराम चादों से गिन। सरदार जी कहिए, और चंबल का पानी पियो और जीना कर तू माहौल, और कर बदला ना ले सका तो भिजे न मैं। चलो फिर चंबल की तरफ बढ़ाओ पैगाम, अब वहीं से कहानी शुरू करते हैं। हाय जय मां भवानी के। भाईजान अब तो लफड़े में फंस गए, लेकिन कैसे? पूजा की इज्जत लूटी गई, हम लोग समझते थे कि वो मर गए, लेकिन वो मरी नहीं, वो अभी जिंदा है। जिंदा है हाँ, और जीवित सांसों में उसका भाई राजा उसे पा गया है और वो उसकी इलाज करवाने जा रहा है। शुक्र मनाओ खुदा की कि उसकी याददाश्त अभी वापस नहीं आई। अगर याददाश्त वापस आ गई तो समझ लो हमारे तुम्हारे गले का फांसी का फंदा बन गई। दिलावर भैया जाए, तुम्हारे कहने का मतलब राजा अपनी बहन पूजा की इलाज कराने जा रहा है बीसीएम अस्पताल। जी हाँ, चलो रास्ते में छीन लेते हैं, छीन के खत्म कर देते हैं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो बनाओ पैगाम, चलो चूर कर दिया तूने विजय। याद रहे जिस दिन मेरी बहन पूरी तरीके से होशो हवास में आ गई, उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा विजय। पूजा तू यहीं बैठ, मैं सामने से तेरी दवा लेकर आता हूं, बैठ जा, हिल्ला मत। पूजा, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं किसके सहारे जीऊंगा? पूजा देख जरा पहले, देख जरा पहले, हाय क्या हाल रात
जय माँ भवानी। बोलो सरदारी। देखो बोलो, अभी तक अपना सरदार नहीं आया है, लेकिन वो घोड़ा पे सजा के देखो सामने से आ रहे सरदार जी, वो देखो सामने से आ रहे। बदल दुनिया जाए, बदल दुनिया जाए, चाहे जमाना खिलाफ हो, विजय रास्ता वही चलेगा टेढ़ा। कोई इंसान बहता हुआ चला आ रहा है, बोलो सामने कौन सा इंसान है? ये कोई मुसीबत यानी कोई बहता हुआ आ रहा है, निकाल के लाए सर जी? निकाल करके फौरन ही हलाओ। जैसे क्या भाड़ी जी? ये बताओ, इसका पूरा शरीर गर्म है, इसका पूरा शरीर गर्म है, इसके मतलब इसकी सांसें चल रही हैं। जी हाँ। इसे हवा खिलाओ जी, और पानी इसको पिलाओ जी सर, छींटे दो, शायद इसकी अरदास वापस आ जाए। ठीक, उसके बाद इससे पूछूंगा। जैसे कैसे डरी सरदार दिखाए कहिए क्या देख रहा हूं? पूजा 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 नहीं मुझे नहीं, नहीं। तुम हमारे पास मत आना, क्योंकि मैं आपकी लायक नहीं हूं। बीजी हमारी हंसती खिलती दुनिया आराम जादू ने बिठा दी। बीजी बीजे, अरे बीजे पूजा, अरे लुटी गई बीजे, अरे बीजे पूजा, अरे लुटी गई, अरे कुछ पिए बचाना लायक नहीं हूँ, क्योंकि हमारी दुनिया लूट चुकी है। कहीं ऐसा मत कहो, और रोवो नहीं, और पूजा मेरी उठता चले जयपी। देख कर हालत तेरी चुभता कले जेबी, लेकिन पूजा एक बार उन हराम जादू को ना बता दो जिन्होंने तुम्हारी ये हालत बनाने वाले और कोई नहीं, वो हराम ज्यादा दिलावर बिया उसी का दोस्त, हमारी हिस्सी खेलती दुनिया बिगड़ दी हराम जादों ने। तो बीजे मेरी बात मानो, तुम यहां से चले जाओ, मुझे यहीं पर जाने दो, बीजे चले जाओ। नहीं पूजा, ये तुमने कैसे सोच लिया कि इन हालात पे तुम्हें अकेले छोड़ दूं? अरे साथ जीने और मरने की कसम खाने वाले
आज मैं तुझे अकेला छोड़ दू नहीं चिना होगा। और साथियों कही पूजा ये लो मभारी और गा जाओ सौगन सुबह चीना होगा और उन हराम चादों से गिन गिन के बदले लेना होगा। ये लो मभारी और खा जाओ सौगन। विजय आज आपने माँ भवानी हमारे हाथों में थमा करके आज हमारा हौसला और बढ़ा दिया है। या माँ भवानी भी रक्षा करना के सौगंध में माँ भवानी जी कहो खा के खून की धारा उनके चाचा मेरे दोस्तों दिल में चुभे उसी के लिए आज डाकू बना नाम किसका दिलावर मियां। और सुनो साथियों पचूसी के लिए बढ़ा पैगाम ग्राम चमनपुर के लिए उन हराम जादू को जब तक इस दुनिया से नहीं बिटा दोगी सच का दिलावर भाई भाजा सारे दुश्मन अपने समाप्त हो गए नाए क्यों अभी एक दुश्मन बाकी है। वो कौन दुश्मन बाकी है अभी? वो दुश्मन ऐसा है जो दिलावर के सीने में कांटे की तरह चुभ रहा है। वो है यानि इंस्पेक्टर गीता। इंस्पेक्टर गीता जो तलाक उसके बदन से वर्दी उतार कर और जो हाल पूजा का किया गया है उसका हाल ना हो तब तलक हमारे दिल को चैन और सुकून नहीं मिलेगी। अगर ये बात है तो जाओ सिवत इंस्पेक्टर गोखले को फोन करो। देखो सामने से इंस्पेक्टर गोखले आ रहे हैं। इंस्पेक्टर गोखले बोलो मेरे दोस्त। सारे दुश्मन समाप्त हो गए लेकिन एक दुश्मन अभी कांटे की तरह खटक रहा है। कौन सा? गीता। गीतिया विजया की बहन और उसी नथुआ की बहन गीतिया। जब तक गीता के बदन पे वर्दी रहेगी हम लोगों के दिन पर दिन मुसीबत खड़ी होती रहेगी। जी इसलिए तुम्हें काम करना है। कौन सा? जाओ गीता के हेडक्वार्टर के ऊपर विदेशी औजार चरस अफीम हीरोइन कोकीन उसके हेडक्वार्टर पर छिपा दो। जी और उधर राजा इंस्पेक्टर से खबर कर दो कि गीता आतंकवादियों से मिली है क्योंकि उसका भाई विजया तो आतंकवादी हो ही चुका है। जी जब गीता घर की तलाशी हो जाएगी गीता कानून में फंस जाएगी उसकी वर्दी उतर जाएगी फिर उसका वही हाल करूंगा जो पुजिया का हाल हुआ है। समझ गया मेरे दोस्त। अगर ये बात है तो मैं आज ही एक काम करके दिखाता हूं। फिर जाओ देर मत करो दिलावर भाई आजा उतर जाने दो गीता के बदन से वर्दी। फिर जैसे पुजिया की नस नस ढीली किया था जी हाँ उसी प्रकार से गीता की भी हाल करूंगा तो चला उसके वर्दी उतरने का इंतजार कर। आओ चलते हैं। इंस्पेक्टर गोखले तुम्हारे चेहरे से साबित होता है तुम कोई मनहूस कबल लेकर खबर लेकर के तो आए हो। अगर मेरी बात को माना जाए तो मैं कहने के लिए तैयार हूँ। बेशक अगर मानने के काबिल होगी अवश्य मानी जाए। जब तक इस साकी वर्दी में अपने स्टाफ के अंदर लोग रहेंगे ये काला धंधा बंद नहीं हो सकता। तुम्हारा कहने का मतलब कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में कोई हमारा गद्दार? जी गीता इंस्पेक्टर गोखले अपनी जुबान को लगाम दो। मैं जानता हूँ कि गीता सिद्धि जरूर है लेकिन देशद्रोही नहीं। मैं जानता था कि तुम हमारी बात पर विश्वास नहीं करोगे तो भी
अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो गीता के हेडक्वार्टर की तलाशी लो, देखो उसके भाई आतंकवादी है, वो बाहर से असलाह भेजता है, यहाँ गीता अपने कमरे से बैठ करके सप्लाई करती है, गांजा, चर्स, अफीम, हीरोइन और विदेशी असलाह। तुम्हारी इन बातों पर यकीन करने के लिए मुझे गीता के हेडक्वार्टर की तलाशी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन याद रहे इस मैटर को अगले, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम वर्दी से जाओगे और साथ में जेल की चक्की भी पीसोगे। बिल्कुल राइट दीवान, इससे पहले कि गीता के हेडक्वार्टर पर चला जाए तैयारी करके आओ मेरे साथ। अब तु थाने ना जा पाए हो, अफसोस अफसोस हमें इस बात का, ना जाने इतनी नफरत मुझसे क्यों राजा करने लगा है, लेकिन राजा की याद मेरे दिल से हरगिज नहीं निकलती। राजा तेरी याद मुझसे बहुत आती, तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? राजा राजा तू आजा एक बार आजा राजा। वो सब याद आए बहुत याद आए, स्वेटर राजा आज कैसे मेरे हेडक्वार्टर पे आना हुआ, या कि किसी मुस्लिम का पीछा करते हुए आए हैं, या कि रास्ता भूल गए? इंस्पेक्टर गीता तुम्हारी दोनों वजह गलत हैं, ना तो मैं किसी मुजरिम का पीछा करते हो ना तो मैं रास्ता भटक गया, मैं तो सिर्फ दो सवालों का जवाब तलब करने आया हूँ। वो कौन से इंस्पेक्टर राजा? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा भाई विजय एक आतंकवादी बन चुका है? राजा तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि तुम्हारे घर पे कुछ विदेशी असलहे छुपे हैं। राजा इतनी बेवफाई की बान मत चलाओ इंस्पेक्टर राजा, मैं जानती हूँ कि मेरा भाई एक देशद्रोही हो चुका, लेकिन मैं एक कानून की पुजारी हूँ। लेकिन मुझे सच्ची इन्फॉर्म मिली है जिसके तहत मैं सब वारंट लेकर आया हूँ, अगर तुम वाकई सच्ची हो देशद्रोही नहीं तो फिर तलाशी देने से इनकार क्यों? नहीं इंस्पेक्टर राजा, आपको अगर शक है तो मेरे हेडक्वार्टर की आप शौक से तलाशी ले सकते हैं स्वेटर राजा। तो फिर ठीक है दीवान, गीता के हेडक्वार्टर की तलाशी ली जाए। वाह गीता वाह, आज तो तूने मेरे विश्वास को भी चकनाचूर कर दिया। गीता मैं तो सोचता था कि इंस्पेक्टर गोखले की बात गलत साबित होगी क्योंकि मुझे तुझ पर पूरा विश्वास था, आज तूने मेरे विश्वास का खून कर दिया। गीता तूने मुझसे बेवफाई की तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, अब तू मेरे देश के साथ गद्दारी भी करने लगी। नहीं राजा, जानते हैं कि 47 राइफल जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बनता है, वो पाकिस्तान जो भारत के लिए आतंकवादियों को परीक्षण देता है, आज तूने मेरे सारे विश्वास को मिट्टी में मिला दिया। मिट्टी में? नहीं राजा, मुझ पे विश्वास कीजिए राजा, मेरे साथ कोई ना कोई साजिश रची गई राजा, ये हथियार मैंने नहीं छिपाए हैं राजा। गीता अब जो कुछ तुम्हें कहना है वो अदालत में कहोगी, कानून के मुताबिक तुम एक मुजरिम हो चुकी हो। दीवान यू आर अंडर अरेस्ट, डाल दो इसके हाथों।
नहीं राजा, मैं जानती हूँ दरिंदर से तुम भी मिले हुए हो। मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना राजा, वरना मैं तुझे भी शूट कर दूंगी राजा। सटिया गया बोतड़ी के। वाह साहेब, हम आए पकड़े ये तेरा वही का और फांद पर बीच में है तुम। देशद्रोही ना होती हाँ साहेब तो कानून से बगावत करके फरार की होती। जी साहेब। इससे पहले की गीता विजय के गिरोह में शामिल होकर एक आतंकवादी बन जाए। जी साहेब। इसकी गिरफ्तारी अनिवार्य है। पीछा क्या राजा, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मार जाओगे क्या तुम? तुझे नहीं मालूम मैंने गीता को गोली मार दिया। ये मैंने क्या किया दीवान? जी साहब। अगर गीता को गोली काम कर गई तो गीता मर जाएगी। हाँ साहब। अगर गीता मर गई ना तो राजा जिंदा नहीं पाएगा। सही कहते साहब। तूने क्या किया गीता? तूने क्या किया? अगर आज तू फरार नहीं होती ना तो मैं तुझ पे गोली नहीं चलाता। लौटा गीता, आज तेरी बहुत याद आती है।